नमस्कार, मैं डॉक्टर रंजन कुमार, फाइव लोटस हिंदू जर्मन नेचर क्योर हॉस्पिटल में। टुडे आई एम गोइंग टू डिस्कस अबाउट अर्थराइटिस। अर्थराइटिस मतलब मोस्टली जो हमारा जॉइंट्स में अगर कुछ स्वेलिंग आती है, पेन आती है, उसमें रेडनेस आती है, तो ये अर्थराइटिस का मतलब हुआ। अगर हम एलोपैथी में या अदर सिस्टम में अगर जाते हैं तो उनका क्या है, कुछ मेडिसिन यूज़ करेंगे, बट हम जो नेचुरोपैथी में पहले हम इसको ट्रीट करने से पहले हम इनके रूट कॉज पे जाते हैं, क्या क्या आर्थराइटिस का इनका पेन का या स्वेलिंग का क्या कारण बन रहा है, पहले उस रूट कॉज पे जाते हैं। उनका कुछ लाइफस्टाइल होता है उसके बारे में डिस्कस करते हैं, उनका क्या डाइटरी पैटर्न होता है उसके बारे में डिस्कस करते हैं, देन और भी बहुत सारे उनके सोशल हिस्ट्री, फिजिकल हिस्ट्री, इमोशनल हिस्ट्री होते हैं उनके बारे में डिस्कस करते हैं। फिर उसके बाद हम लाइन ऑफ ट्रीटमेंट पे आते हैं। डायरेक्ट उनको अगर कुछ पेन हो रहा है, क्या सूजन जैसा फील हो रहा है, उनको चलने में दिक्कत हो रही है पेन के कारण, तो डायरेक्ट हम किसी डायग्नोसिस पे नहीं जाते हैं, पहले उनका पूरा हिस्ट्री लेते हैं, उसके बाद जो हमारा लाइन ऑफ ट्रीटमेंट होता है नेचुरोपैथी का वो डिस्कस करते हैं। जॉइंट में पेन होना, स्टिफनेस होना और रेडनेस आना, कभी कभी एक्चुअली हमको अगर पेन होती है, कभी इंजर्ड होता है, तो भी उसके कारण भी हमारे बॉडी में पेन आ सकती है, लेकिन वो कंटिन्यू 10 दिन 15 दिन ऐसा हो रहा है, तो दैट इज़ द सिम्टम्स ऑफ आर्थराइटिस। अभी जो मैं आप लोगों के साथ डिस्कस किया, आपको लगता है कि हेल्पफुल है, अपने दोस्तों के साथ, फैमिली के साथ उनको ज़रूर ये शेयर कीजिए।